देश में लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी फेज के लिए आज वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। हर सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है और राहुल गांधी को देश का पीएम बनने की बात कही है। सुनवाते नजर रखते हैं बिहार की राजनीति पर, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली? हम तो उम्मीद रखते हैं जितनी ज़्यादा सीटें पिछली बार से और अच्छा रिजल्ट आएगा, पर आज ख़त्म होने दीजिए, 4 तारीख को आप सबको पता चला। मैं खुद, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, मैं सैफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी के लिए, पर उम्मीद है और हमको भी लग रहा है, ज़मीन से जो भी खबर आ रही है थोड़ी सी, हमको भी लग रहा है कि मतलब कि इस बार बेहतर रिजल्ट आने वाले और हो सकता है चेंज भी आ सकता है। अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आप किनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री बने, पर अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी राहुल गांधी जी, राहुल गांधी भाई तो पार्टी के लीडर है, पर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी होगा 4 तारीख को होगा। मेरी तो किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, जो भी जनता चुनेगी उनका हम स्वीकार करेंगे, वो भी मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।